गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये अभी हो रही है सुबह और हम उठ गए हैं। वो हमेशा मेरे साथ ही उठते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय बेबी, माय शोना, गुड मॉर्निंग। और तो सीरियस कहीं को है बेबी सुबह सुबह अम्मा और हम थोड़े चिड़ में हैं, तो मैंने सोचा उनको थोड़ी देर के लिए बाहर कबूतरों को दाना डालने के लिए लेके आऊं। और हमको कबूतरों को दाना डालना बहुत पसंद है, आयत को भी पसंद है, लेकिन आयत नहीं उठी है अभी। और हम उठ चुके हैं तो थोड़ी देर वो यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। और हम इतनी स्पीड से चावल फेंक रहा था कि सारे कबूतर उड़ के चले गए, सिर्फ एक दो बाकी थे वहाँ पे, वो भी ऑलमोस्ट उड़ने वाले थे। कितना ज़ोर से उसे फेंक रहा है, देखो ये इसको लग रहा है कि वो आएंगे और खाएंगे, इंस्टेड वो डर के भाग रहे हैं वहाँ से। बट दो तीन कबूतर थोड़े हिम्मत वाले थे तो रुक गए वहाँ पे। जब प्लेट में सारे दाने ख़त्म हो गए तो सारे कबूतर वापस आने लगे और दाना खाने लगे। अभी मैं अरहम को करा रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। नाश्ते में मैं इसको खिला रही हूँ पाव भाजी। अभी इसको अपने दद्दू के साथ खेलने का टाइम हो गया है तो वही जा रहा है। कहीं को बेटा इतना सीरियस है, अम्मा इतना सीरियस के चंदा आराम में जान को। बच्चे कितनी टेंशन की, सुबह उठ मोबाइल देखना है, कौन सा देखना है, मम्मा कहना सब तो कैसे खाना है, ऐसा कर ला फोट गिर। आए बिजार करने का करा लोग तो सिर पे हाथ रखने का नहीं। हाँ, यहाँ पे देखिए अरहम कैसे अपने दद्दू के हाथों हेड मसाज एंजॉय कर रहा है। जैसे पापा ने देखा कि वो एंजॉय कर रहा है, हेड मसाज धीरे धीरे शोल्डर मसाज में बदल गया और शोल्डर मसाज धीरे धीरे बॉडी मसाज में। और पापा ने सारे बॉडी को ऑयल लगा के अच्छे से मसाज किया उसको। और अरहम ने भी बाप रे बहुत अच्छे से एंजॉय किया। पापा यही दिखा रहे हैं यहाँ पे कि वो कैस्टर ऑयल से मसाज कर रहे हैं अरहम का। फिर मम्मी ने उधर से आवाज़ लगाई कि एक काम करो, सरसों के तेल से मसाज करो तो हड्डियाँ और घट होंगी। तो फिर उसके बाद पापा ने सरसों का तेल भी यूज़ किया। जैसे ही उसका मसाज ख़त्म हो गया, पापा ने ही उसको पानी भी डाला। अभी वही नहलाने के लिए लेके जा रहे हैं। हम लोग बेटे रेडी रखो बच्चे को, पहलवान को खाली पापा नो नाश्ता हो गया उनका। उस्मान का सोप है, उस्मान का भी पियामा सोप, उस्मान का भी सिर तो जाते नहीं डालो, तुम रोते हैं क्या पड़ता है, नहीं नहीं नहाने पड़ेगा, पानी छोड़ो। और ये रहा मेरा आज का थोड़ा सा हेवी नाश्ता, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा हेवी नाश्ता, पाव भाजी, पूरन पोली और एक समोसा और एक छोटा सा केक का पीस। और यहाँ पे पापा अरहम का शर्ट जो है आयरन कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों को आज दोपहर से बाहर जाना है तो मैंने सोचा उसको शर्ट पहना दूँ, तो वही पापा ने कहा मुझे दे दो, मैं आयरन भी करके दे देता हूँ, आज अरहम की ज़िम्मेदारी मेरी। तो अरहम की शर्ट भी देखिए आयरन हो चुकी है। तो साथ साथ मैंने लंच भी बना लिया है। ये जो देसी यम्मी वाली बिरयानी आपको दिख रही है ये मम्मी ने बनाई है,
और ये हैदराबादी बिरयानी दम बिरयानी मैंने बनाई है और मैं लेके जाके दे रही हूँ ये मेरे हस्बैंड को, उनको दोनों के हाथों की बिरयानी पसंद है। साथ साथ हम लोग सब भी खाना खा रहे हैं। मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि पापा को जाना था, लेट हो रहा था। क्या करते रहे? ड्रेस निकाल दो, मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं इनको शूट करूंगा। अच्छा है लेकिन टाइट होता है। वंस अपॉन ए टाइम जब आप मेरे डिग्री का था ये नहीं, जब दुबले थे तब शायद आने के चांसेस है। पेन की बोतल। मैं, मम्मी और मुस्कान अरहम आयत तीनों निकले हैं यहाँ पे शॉपिंग के लिए और कैब्स और ऑटोस बिल्कुल कुछ अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग घर से लेकर मेन रोड तक पैदल जा रहे हैं। तो जैसे ही मैंने अरहम को नीचे छोड़ा 5 मिनट के लिए, उसने क्या किया पता है? जाके अपने हाथ तार वाले पत्थर होते हैं उसमें रख दिए और उसका पूरा हाथ काला हो गया और उसी की वजह से देखिए यहाँ पे उसने अपना मुंह भी काला कर लिया। मम्मी ने फिर जान पहचान वालों से पूछ के पानी मांग के सारा फेस साफ किया। अभी हम लोग घर वापस आ चुके हैं और ये बना रहे हैं मैगी। मैं करी से हेयर स्टाइल देखो क्या मस्त आया। जब से रिकॉर्ड करने से अब रिकॉर्ड करते हैं पूरा हो गया दिस इज नॉट रेसिपी वीडियो। ये नॉर्मल वीडियो है, व्लॉग ये। कौन सा रहा तो क्या तुम्हें रेसिपी चाहते को बना लेते दस टेम्पो क्या की। हाय गाइस आज मैं बना रही हूँ बिरयानी, सुबह हो गई रात हो गई। मैं फास्ट 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 बनाती हूँ। चार डालो जिसमें केक और केक होना। मैगी को बिरयानी को तिदर करते हैं। अच्छी मैगी होना का तो वेट करो। ओ यम्मी। वेल अगर रेसिपी होना है इंशाल्लाह ये दोबारा बनाएंगे। नहीं प्लीज कमेंट करो, एज कम प्लीज कमेंट करो, प्लीज प्लीज प्लीज। जितने भी लोग हैं ना अकीद के हाथ की मैगी सारे लोग यही कमेंट कर दो। नहीं अम्मा कहीं को मुझे तो पॉपुलैरिटी करा दे। अब मेरे ऑफिस वाले तक तो मुझे बना बोलते हैं नो दे आर नाइस पीपल। लेकिन यम्मी, लेकिन थोड़ी कच्ची है। पकना जी, पकना जी। तो मैं पकाते हैं सब बस नहीं। मिस्टर पकाओ पकाओ। आया तो मुझे क्या बोलते मालूम, मम्मा यू आर द बेस्ट कुकर इन द होल वर्ल्ड। बोलो यू आर द बेस्ट सीट इन द होल वर्ल्ड। गाइस पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा है तो इग्नोर कीजिएगा, वो एग्जॉस्ट फैन है। राइट राइट आई नो आई नो। तो गाइस आज जो हम लोग बाहर गए थे उसमें मैंने लिया एक ब्लैंकेट। यहाँ पे ब्लैंकेट्स बहुत अच्छे थे तो मैंने सोचा मैं एक ब्लैंकेट ले लूँ। मुझे प्लेन में एक चाहिए था और ब्लैक से अच्छा कलर नहीं हो सकता प्लेन में, और मैंने ये वाला लिया। ये वाला ब्लैंकेट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली इन दोनों को बेड स्प्रेड जैसे यूज़ करने वाली हूँ इंशाल्लाह। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत 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 प्यारा लगा। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ये स्नेक पैटर्न वाले प्लाजो पैंट्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे वहाँ पे, बट मैं थोड़ा पीछे हट रही थी कि नहीं। फिर मुस्कान ने कहा नहीं नहीं भाभी अच्छे लगेंगे बहुत ही जब पहनोगी, आजकल ट्रेंड भी चल रहा है तो ले लो। तो मैंने ले लिया ये भी, और साथ साथ ये वाला प्लाजो पैंट्स भी लिया मैंने।
इसका भी देखिए डिज़ाइन कितना अच्छा है। ये दोनों फ्री साइज़ के थे। एक्चुअली रेडीमेड में मेरे साइज़ का पैंट मिलना बहुत मुश्किल है, तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे दोनों, अफोर्डेबल भी थे। जस्ट 180 का पड़ा एक पैंट मुझे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, वाई नॉट। और मैंने ये क्लॉथ लिया, ये क्लॉथ मैंने कुर्ती बनवाने के लिया। मम्मी बहुत अच्छे से कपड़े सीते हैं, तो मैंने सोचा उनको ही दे दूँ। उन्होंने भी बोला, आयशा एक काम करो, कपड़ा ले लो, टॉप्स लेने से अच्छा है मैं आपको अच्छे से सी के दे दूँगी। तो मुझे लगा वही ठीक रहेगा। तो आप बताइए कैसा लगा आप लोगों को। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी रात हो गई है, सब लोग सो रहे हैं, तो मैं भी सोने वाली हूँ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, और कमेंट करना मत भूलिएगा।